खबर सिंगरौली से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में शहीद दिवस के मौके पर देश भर के शहीद जवानों को परेड के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वह सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने देश भर में शहीद हुए जवानों के नाम वाचन किया। वह इस श्रद्धांजलि सभा में जिला जज व सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना, सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, कांग्रेसी नेताओं राम अशोक शर्मा, राम शिरोमणि सहवाल सहित जिले के पत्रकार गणमान्य नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शस्त्र प्रदर्शनी के बारे में गणमान्य को पुलिस ने अवगत कराया। आपको बता दें कि इस मौके पर जिले के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक, थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह, मनीष त्रिपाठी, आरपी सिंह सहित जिले के कई चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। आज का दिन जो है 21 अक्टूबर का शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है पुलिस में, और इसमें जो पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो हमारे जवान और अधिकारी कर्तव्य की बलिवेदी पे शहीद होते हैं, उनको आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें आज याद करते हैं। इसी तारतम्य में आज का ये आयोजन था, और आज देख रहे हैं आज हम लोगों ने कि एक छोटी सी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई है, और ये प्रयास किया है कि हम जो है हमारे जो शहीद लोग हैं उनको जनता जाने, और इस तरीके से कर्तव्य की बलि वेदी पे हम काम करते हैं और हमारे लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने हथियारों की और जागरूकता के लिए भी प्रदर्शनी लगाई है, और हमारा प्रयास है कि हम हमारे जो लोग हैं उनको जोड़ें पुलिस से, और जो एक जन जागरूकता का अभियान होता है उसके माध्यम से लोग जागरूक करने का भी हम प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास है, शासन का भी निर्देश है कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग आयोजन करेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों को, नागरिकों को जोड़ें और पुलिस की कार्रवाइयों के बारे में उनको हम अवगत कराएंगे, और एक जन जागरूकता का संदेश देने का प्रयास करेंगे। शहीदों को हमारा मैं जली हुई राख नहीं अमरती, मैं जली हुई राख नहीं अमरती हूँ। जो शोक शस्त्र की कार्यवाही संपन्न होते हुए निवेदन है उपस्थित समाचार समुदाय से, शहीदों के सम्मान में कुछ पलों के लिए अपने स्थान से खड़े होकर सर झुकाकर अमर शहीदों को अंतर मन से नमन करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली से मोहम्मद सऊद की रिपोर्ट।